दोस्तों, एक बार समर वेकेशन में कुछ बच्चे इकट्ठे हुए और वो माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग के लिए जाना चाहते थे। इसके लिए वो अपने कोच के पास जी गए तो कोच ने उनसे पूछा, अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हें किसी पहाड़ के शिखर तक पहुंचना है, किसी पहाड़ के चोटी तक पहुंचना है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? तो कुछ बच्चों ने कहा कि हमारे पास अच्छे शूज़ होने चाहिए, कुछ ने कहा अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए, कुछ ने कहा अच्छे इक्विपमेंट होने चाहिए, कुछ ने कहा अच्छा गाइड होना चाहिए साथ में। तो कोच ने उनको रिप्लाई दिया कि इनमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। तो बच्चों ने पूछा, तो सर आप बताइए कि क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? तो कोच ने कहा कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि माउंटेन पे चढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक माउंटेन होना चाहिए, एक पहाड़ होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए? दोस्तों, जब तक आपको पता ना हो कि आपको कहाँ तक पहुँचना है, तब तक आपके पास कितने भी साधन हो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर लाइफ में कुछ भी पाना है तो सबसे पहले जरूरी है पर्पज, उसका पर्पज डिसाइड करना। आप और हम इतनी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक पैसा कमाते हैं और उसके बाद उसको कहीं इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के पीछे पर्पज क्या है? जब तक पर्पज क्लियर नहीं होगा वो इन्वेस्टमेंट का आप कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलने वाला। ऐसा कहा जाता है, व्हेन योर व्हाई इज क्लियर हाउ इज इजियर। जब आपको पता होता है कि आपको पाना क्या है, कैसे पाना है, ये अपने आप ही क्लियर हो जाता है। दोस्तों, लाइफ में मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं, जिनके अंदर टैलेंट कूद कूद के भरा हुआ है, लेकिन वो एक मीडियोकर लाइफ जी रहे हैं। कारण कि पर्पज उनका क्लियर नहीं है, उनको पता ही नहीं कि उनको लाइफ में क्या पाना है। लाइफ में अगर कुछ पाना है तो सबसे पहले ये डिसाइड करना ज़रूरी होता है कि क्या पाना है, उसका पर्पज क्या है। कई लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मेरे पास पैसा है, मैं इसको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, कोई अच्छी स्कीम हो तो बताओ, कोई अच्छा प्लान हो तो बताओ। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप डॉक्टर के पास जाओ, बोलो कि डॉक्टर साहब मेरे पास बहुत सारा पैसा है, कोई अच्छी दवाई आई है मार्केट में तो बताओ। जब तक डॉक्टर डिसाइड नहीं कर जानेगा नहीं कि आपको बीमारी क्या है, तब तक वो आपको उस बीमारी की सही दवाई नहीं दे सकता। इसी तरह इन्वेस्टमेंट पे भी बात लागू होती है कि जब तक आपका पर्पज क्या है इन्वेस्टमेंट के पीछे, यह क्लियर ना हो तो इन्वेस्टमेंट का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। अब आप लोग कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट के पीछे का पर्पज है पैसा। पैसा तो साधन है, लेकिन डेस्टिनेशन क्या है, उस पैसे का उद्देश्य क्या है? इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन क्या क्या हो सकता है? इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन ये हो सकता है, उद्देश्य ये हो सकता है, इन्वेस्टमेंट का पर्पज ये हो सकता है कि मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, इसको मैं अच्छे से अच्छे एजुकेशन के लिए इसके लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, या मेरे बच्चों की शादी मैं बहुत अच्छे धूमधाम से करना चाहता हूँ, मेरा एक ड्रीम है, या मैं अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ सेव करना चाहता हूँ, या जब तक मेरी रिटायरमेंट की एज आए तब तक मैं फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करना चाहता हूँ, या कुछ सालों के बाद मैं एक गाड़ी एक बंगलो लेना चाहता हूँ। ये डेस्टिनेशन हो सकता है, ये इन्वेस्टमेंट का पर्पज हो सकता है। पर्पज डिसाइड करके इन्वेस्टमेंट में क्या फ़ायदा होता है? दोस्तों, इसके दो फायदे होते हैं। इन्वेस्टमेंट को किसी भी डेस्टिनेशन से जोड़ने से सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपका टाइम फ्रेम क्या है, आपको कितने सालों तक पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, या आप कितने सालों तक उस पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं तो फाइनेंशियल एडवाइज़र आपके लिए सही एसेट क्लास का डिसाइड करता है। वो बता सकता है कि आपके लिए बढ़िया क्या रहेगा, अच्छा क्या रहेगा, डेट रहेगा, इक्विटी रहेगा या हाइब्रिड रहेगा। सपोज आपका पर्पज शॉर्ट टर्म है तो वो डेट में इन्वेस्ट करवाएगा, सपोज आपका पर्पज लॉन्ग टर्म है तो वो इक्विटी में इन्वेस्ट करवाएगा। इक्विटी के भी इसके भी अलग अलग क्लास होते हैं। तो आपको क्या डिसाइड करना है कि आपका क्या पर्पज क्या है, इन्वेस्टमेंट के पीछे का पर्पज क्या है, उस पैसे से आप क्या हासिल करना चाहते हैं। दूसरा फायदा यह है कि आप उस इन्वेस्टमेंट से इमोशनली अटैच हो जाते हैं। पर्पज डिसाइड करने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट लाइफ में एक डिसिप्लिन आ जाता है। मार्केट हमेशा ही उतार चढ़ाव से भरी होती है, मार्केट में ऊपर नीचे तो होता ही रहता है, और कभी कभी हम पैनिक में आके अपना जो टेम्परेरी लॉस है, जो हमारे पोर्टफोलियो में खाली दिख रहा है लॉस, अपना स्टॉक बेच के या अपना म्यूचुअल फंड बेच के उस लॉस को परमानेंट लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। जब मैंने एक वीडियो में पिछले भी कहा था कि करेक्शन इज टेम्परेरी, ग्रोथ इज परमानेंट, हमेशा ये याद रखिए, करेक्शन इज टेम्परेरी, ग्रोथ इज परमानेंट, जो भी ग्रोथ होगी वो परमानेंट होगी। और इन्वेस्टमेंट के लिए डिसिप्लिन इज द की। तो दोस्तों, आज ही डिसाइड करिए व्हाट्स योर पर्पज फॉर इन्वेस्टमेंट।